आपको खाने को मिलेंगी फ्रेश सब्जियां जिनमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होंगे। आप कमा सकते हैं 10,000 से 20,000 रुपए हर महीने इजिली एक छोटे से होम गार्डन से। वेजिटेबल्स आप उगाते हैं वो मोहल्ले में आपके हो जाएं फेमस और आप बन जाएं एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वुमन। क्या आप जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं? क्या आपको समझ नहीं आता कि आप अपने फ्री टाइम में ऐसा क्या करें जिससे आपको पैसे कमाने का भी मौका मिले? क्या आपको ये फील होता है कि जो सब्जियां आप बाहर से खरीदकर खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ को अच्छा नहीं कर रही हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना खुद का वेजिटेबल गार्डन शुरू करते हैं अपने घर पर तो नंबर वन आपको खाने को मिलेंगी फ्रेश सब्जियां जिनमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होंगे। नंबर दो आप कमा सकते हैं 10,000 से 20,000 रुपए हर महीने इजिली एक छोटे से होम गार्डन से। और नंबर तीन हो सकता है कि आपका वेजिटेबल गार्डन, जो वेजिटेबल्स आप उगाते हैं वो मोहल्ले में आपके हो जाएं फेमस और आप बन जाएं एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वुमन। अगर आप जानना चाहते हैं टिप्स फॉर स्टार्टिंग अ वेजिटेबल गार्डन, अगर आप जानना चाहते हैं वो कुछ सीक्रेट्स कि कैसे आप शुरू करें अपना खुद का सब्जियों का गार्डन, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए सब्सक्राइब फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल को, फ्रीडम ऐप जहां पर हम आपको देते हैं लाइवलीहुड एजुकेशन, बताते हैं कि कैसे उगाएं कितने सारे क्रॉप्स, बताते हैं कैसे शुरू करें बिजनेस और बढ़ाते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको देने वाली हूं टिप्स फॉर स्टार्टिंग योर ओन वेजिटेबल गार्डन। अगर आप पहली बार सब्जियां उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारे टिप जो हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला टिप, अपने घर का सबसे ज्यादा धूप वाला कोना जो है वो फिगर आउट कीजिए। देखिए जो अधिकतर वेजिटेबल्स होते हैं वो धूप में उगते हैं, बस कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें उगाने के लिए गर्मियों में जो है धूप से थोड़ा सा दूर भी रखना पड़ता है। लेकिन आपको अपना वेजिटेबल गार्डन उसी जगह पर शुरू करना है जहां घर में सबसे ज्यादा धूप आती है। अगर आपकी बैल्कनी वो जगह है वहां पर आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई है उसे वहां से हटाइए, वो वेजिटेबल गार्डन जो है शुरू करने की जगह। अगर आपके पास छत है जहां पर बहुत अच्छी धूप आती है तो वो एक परफेक्ट प्लेस है आपका वेजिटेबल गार्डन शुरू करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया है पहला टिप, बहुत जरूरी है कि आप ऐसा कोना चुने जहां पर धूप आती है। और जब आपको किसी और वेजिटेबल को उगाना है जिसको इतनी धूप की जरूरत नहीं है तब आप उसे कपड़े से ढककर भी उगा सकते हैं। सो टिप नंबर वन, फाइंड अ सनी स्पॉट इन योर हाउस। दूसरा टिप मैं आपको देने वाली हूं सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि मिट्टी को तैयार कैसे करें। आपको मैं बता दूं कि वेजिटेबल सिर्फ उसी मिट्टी में उग पाते हैं जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलाइजर्स हो। जब फर्टिलाइजर शब्द मैं यहां इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात नहीं कर रही, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है यानी कि जैविक खाद जो है वो वेजिटेबल्स उगाने के लिए बहुत जरूरी है। जैविक खाद बहुत सारे तरीकों की होती है, जैविक खाद का पैकेट इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। दूसरा, जो भी आप खाना खाते हैं जैसे कि आपने सब्जियां छीली हैं, आपने फ्रूट्स जो हैं वो कट किए हैं, उनके जो छिलके हैं वो भी वेजिटेबल्स को उगने में खाद का काम कर सकते हैं। तो एक मेरी सलाह आपको है, अपने घर में आप गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें। जो भी कूड़ा है जैसे कि अगर छिलके हैं फल आपने खाया है, कोई वेजिटेबल आपने पकाई है उसके छिलके, उन्हें अलग से आप जो है एक डस्टबिन में रखें ताकि आप उसे भी खाद की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली आपको इतना ऑर्गेनिक मैटर डालना है शुरुआत में कि आपकी जो मिट्टी है वेजिटेबल उगाने के लिए वो ना तो ज्यादा सैंडी होनी चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा सूखी होनी चाहिए, ना ज्यादा गीली होनी चाहिए, ना ज्यादा कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, एक परफेक्ट मिश्रण आपको बनाना है। अच्छा, और उसे चेक कैसे आप करेंगे कि ये मिट्टी जो है वो सब्जियां उगाने के लिए परफेक्ट है या नहीं? जब भी आप अपनी तैयार की हुई मिट्टी को अपने हाथों से इस तरह से दबोचेंगे तो वो पूरा एक लड्डू जैसा बन जाएगा, और अगर आप उसे जरा सा हटाएंगे तो वो पूरा बिखर जाएगा, यानी कि अब एक परफेक्ट संतुलन बन चुका है। मिट्टी जो है एक परफेक्ट अमाउंट की गीली होगी और ज्यादा वॉटरी भी नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको टिप दिया सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। तीसरा और बेहद जरूरी टिप, आपको जो है बहुत ही केयरफुली चूज करना है कि कौन सी सब्जी आप किस सीजन में और किस जगह पे उगाएंगे। देखिए, सब्जियां जल्दी उगेंगी, अच्छी उगेंगी या नहीं, ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली होती है ज्योग्राफी, आप भारत के किस हिस्से में रहते हैं, क्या आप बिहार में रहते हैं, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या आप बैंगलोर में रहते हैं, क्या आप चेन्नई में रहते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी सब्जी जो है वहां उगाने के लिए सबसे अच्छी है। दूसरा रीजन होता है सीजन,
कौन सी सब्जी किस सीजन में उगेगी, इस चीज की जानकारी आपको लेनी ही है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, लोग जो है वो पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सब्जी उगानी है और उसके बाद रिसर्च करते हैं। जी नहीं, आप किसी ग्रोइंग गाइड से पूछिए, किसी ऐसे इंसान से सलाह लीजिए जो ऑलरेडी एक माली हो, जो सब्जियां उगा चुका हो, या फिर सिंपली गूगल पे जाकर टाइप कीजिए अपनी जगह जहां आप रहते हैं और लिखिए विच आर द बेस्ट वेजिटेबल्स टू ग्रो इन भोपाल, विच आर द बेस्ट वेजिटेबल्स टू ग्रो इन चेन्नई। आपको वो सारा ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी एक और वीडियो बनाकर आपको वो सारा ज्ञान दे सकती हूँ। अब उदाहरण के तौर पे बैंगन और ज्यूकिनी अगर आप उगाना चाहते हैं, वो हॉट सीजन क्रॉप्स हैं, उन्हें गर्मियों में उगाना शुरू कीजिए। और अगर आप उगाना चाहते हैं बंद गोभी, आप उगाना चाहते हैं पालक, तो ये जो है कोल्ड सीजन क्रॉप्स हैं, सर्दियों में ये अच्छे से उगते हैं। तो इस तरह से आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी वेजिटेबल कब अच्छी उगती है और उसे ही आप उगाएं, सीजन वाइज वेजिटेबल्स उगाएं। चौथा और बहुत ही इजी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, हर एक वेजिटेबल को बोने से पहले आप उसकी प्लांटिंग डेट जरूर चेक करें। जब भी आप किसी वेजिटेबल को उगाने के लिए सीड्स खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे, तो बीज का जो पैकेट होता है वो भी इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। बीज के पैकेट पे लिखी होती है प्लांटिंग डेट, जो तारीख जिस वेजिटेबल को उगाने के लिए फेवरेबल है आप उस तारीख पे वो वेजिटेबल उगाएं। जैसे कि अगर आप जो है बैंगन के सीड्स लेके आएंगे तो उसके पैकेट पे लिखा होगा कि इसकी ग्रोइंग डेट क्या होनी चाहिए। ये गलती ना करें कि मैंने अपना वेजिटेबल गार्डन शुरू किया है, सारे वेजिटेबल एक साथ उगा दो। प्लांटिंग डेट के हिसाब से आप अपने वेजिटेबल्स उगाएं, क्योंकि हर वेजिटेबल का जो पकने का समय है वो अलग होता है, एक अलग सीजन होता है, एक अलग डेट होती है। पांचवा और बेहद जरूरी टिप, आप हाई क्वालिटी सीड्स यानी कि बहुत ही उमदा क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करें अपने वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अगर आप सस्ते बीजों के चक्कर में ऐसा पैकेट खरीद लिया आपने जो कि अच्छी ग्रोथ आपके वेजिटेबल को नहीं देंगे, जो कि बड़ा वेजिटेबल आपका नहीं होगा, एकदम फ्रेश वेजिटेबल नहीं होगा, तो फिर बाद में आपको अपनी मेहनत पे अफसोस होगा। इसीलिए आप जो हैं सिर्फ हाई क्वालिटी सीड्स प्रेफर करें, ऑनलाइन भी सीड्स मिलते हैं। कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक सीड्स या GMO सीड्स लेकर आएं और रिव्यूज जरूर पढ़ें। जिन लोगों ने ऑनलाइन उन सीड्स को खरीदा है उन्होंने रिव्यूज डाले होंगे, उन्हें जरूर पढ़ें, तभी आप सीड्स खरीदें। सो यूज गुड क्वालिटी सीड्स फॉर योर वेजिटेबल्स। छठा टिप है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज करें। देखिए, कोई भी पौधा आप उगाते हैं या फिर कोई भी सब्जी आप उगाते हैं, उसे कीड़े तो लगते ही हैं, उसे कोई ना कोई डिजीज कभी ना कभी हो ही सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स ढूंढें, पेस्टिसाइड्स जो केमिकल वाले होते हैं वो आप ना यूज करें। जैसे उदाहरण के तौर पे कई सारी वेजिटेबल्स उगाते वक्त अगर आप उनके साथ रोजमेरी का प्लांट उगा देते हैं तो वो जो है प्लांट में डिजीज नहीं लगने देता है, एक बहुत ही नेचुरल प्रतिरोधक होता है रोजमेरी। तो इस तरह से आप अल्टरनेटिव्स ढूंढें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के। सातवां टिप, प्लीज कोशिश करें कि आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी परमानेंटली डैमेज हो सकती है जिसमें आप वेजिटेबल्स उगाने वाले हैं। हम घर में इसीलिए तो वेजिटेबल उगा रहे हैं ना, ताकि फ्रेश खा सकें या लोगों को भी फ्रेश खिला सकें। तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मिनिमम करें या ना करें। आठवां और बेहद जरूरी टिप, आप पानी जब अपने पौधों को देते हैं तो बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से दें, स्प्रिंकल करें वाटर को। आप एक स्प्रिंकलर खरीद सकते हैं, इजीली आप देखेंगे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आपको जो है वाटर स्प्रिंकलर मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दामों में। आपको पानी बहुत ही कोमल तरीके से देना है अपने वेजिटेबल्स को, ताकि वो खराब ना हो और आपकी सॉइल जो है वो गीली भी रहे। ये थे मेरे 8 टिप्स अगर आप शुरू करने वाले हैं सब्जियों का गार्डन यानी वेजिटेबल गार्डन। साथ साथ मैं आपको बता दूं, भारत में अगर आप सोच रहे हैं कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, आप कोई भी सब्जी घर पे उगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग उगाते हैं टमाटर, हरे मटर, कैबेज, लेटस, पालक, मेथी, तुलसी, मेडिसिनल हर्ब्स। ये सारी चीज़ें लोग जो हैं वो घर में उगाना प्रेफर करते हैं। मैं तो कहूँगी मेडिसिनल हर्ब्स भी उगाइए आप अपने गार्डन में, और बाद में उन्हें बेचकर पैसे भी कमाइए। अगर आप एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं और सिर्फ अपने घर में उगाकर सब्जियां यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे ज़्यादा सब्जियां उगा के लोगों में भी बेचने लगेंगे तो आप 15,000 से 20,000 रुपये हर महीने आराम से अपने वेजिटेबल गार्डन से कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आशा करती हूं कि आप अपना वेजिटेबल गार्डन जल्द ही बनाएंगे, और थोड़ी सी सब्जियां मुझे भी भिजवा देना। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।